होस्ट और दोस्त वर्दा और आप देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स विद वर्दा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सरसरी कहाँ जा रही हूँ, तो भाई तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, हमारे घर बापा आ रहे हैं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भाई तो आप लोगों को पता है ना कि गणेश उत्सव किसने और कब शुरू किया था? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 1893 यानी कि 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने पुणे में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। जी हाँ, इस दौरान हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे करीबी रिश्तेदार, दोस्त सब हमारे घर आते हैं, बापा का दर्शन करते हैं और एक दूसरे से मिलके आपस में खुशियां बांटते हैं। और वन मोर चीज, इन दिनों में सबसे बेस्ट चीज होती है वो होता है पकवान। अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, अलग अलग प्रसाद बनता है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और वैसे भी बापा को हम सुखकर्ता और दुखहर्ता कहते हैं। वे जब आते हैं तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाते हैं, और वे जब जाते हैं तब हमारे और हमारी जिंदगी से दुख और बाधाओं को अपने साथ लेके जाते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को ले चलती हूँ हमारे घर के बापा के दर्शन के लिए। चलिए, आई एम लाइक सो एक्साइटेड। हमने सब डेकोरेशन कर लिया है, तैयारी चल रही है, सो आई विल जस्ट टेक यू ऑल। क्या कर रहे हो पापा? मैं आज नारियल पानी वाला हूँ, पानी बेचना चाहता हूँ। क्या आपको पानी चाहिए? हाँ चाहिए। क्या तरकीब निकाली आपने? इसमें हम छेद कर रहे हैं। हाँ। और ये कारगर साबित हुआ है। इसको हम छेद करेंगे, उसका पानी है ना इसमें निकाल लेंगे सब पूरा के पूरा। हाँ। तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि नारियल भी फटाक से फूटता है। आप ये नारियल फोड़ क्यों रहे हो, किस लिए? अब ये पानी तो निकाल लेंगे इसके बाद। आपको पता है कि हमारे यहाँ गणपति आने वाले है, तो गणपति के लिए हम जो महाराष्ट्रीयन डिश रहता है मोदक, उनके लिए उनका फेवरेट भोग जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। इसके लिए नारियल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्राइम इंग्रेडिएंट, इट्स प्राइम इंग्रेडिएंट इन द मोदक, व्हिच इज कॉल्ड अ सारंग, यू नो। फाइनली आधे ग्लास से ज्यादा पानी मिल गया है, पी भी लिया। वाओ। इसको पोड़े। आप लोग भी ये टेक्निक सीख लो। पहले पानी निकालो, उसके बाद ऊपर का जो है वो सही में अच्छी तरीके से फूट जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज है हमारे बापा का विसर्जन।
ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिन घर में हंसी मजाक हो रहा था, चहल पहल थी, दोस्त आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे गणपति दर्शन के लिए, और अब जब पापा जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पापा जा रहे हैं अगले साल जल्दी वापस आने के लिए, इसी इंतजार में हम विदा लेंगे अपने पापा से। तो चलिए मेरे साथ आज हमारे पापा का विसर्जन करते हैं। थिंक प्लीज बी केयरफुल, आप अपने घर के नजदीक जो गवर्नमेंट ने या फिर जो आपके लिए व्यवस्था की गई है पानी के विसर्जन के लिए, आप प्लीज वहीं जाकर गणपति का विसर्जन करें, ताकि हमारा जो समुद्र का पानी है या हम जो पानी पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो खराब ना हो। आपने देखा ये तले हुए मोदक है। जनरली गणपति विसर्जन के वक्त तले हुए मोदक करते हैं, वो होते हैं आटे के यानी कि वीट फ्लावर, और जब गणेश चतुर्थी के दिन जो मोदक बनते हैं उनको कहते हैं उकड़ी के मोदक, वो बनते हैं राइस फ्लावर से, एंड बोथ ऑफ देम टेस्ट यमी। अब आप यहाँ नहीं हैं मोदक टेस्ट करने के लिए कि कैसे बने हैं, तो आपके हिस्से के मैं खा लूंगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे साथ मेरे सफर में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।